लब पर जिसके लब पर अली अली होगा उसके दिल में नबी नबी होगा। जिसके लब पर अली अली होगा उसके दिल में नबी नबी होगा। जिसके लब पर अली अली होगा उसके दिल में नबी नबी होगा। साफ जाहिर इस वसीले से साफ जाहिर है इस वसीले से ऐसा इंसान जन्नती हो। वाह ऐसा इंसान जन्नती होगा। लाजवाब लाजवाब असद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक शेर यहीं से सुन ले आप, सुनेंगे थक गए तो बता दीजिएगा, हाथ पांव दबा देंगे। जो बड़े खान का फकीर हुआ जो बड़े खान का फकीर हुआ वो अमीरों कभी अमीर हुआ। जो बड़े खान का फकीर हुआ वो अमीरों कभी अमीर हुआ। जिसकी झोली चवन्नी है जिसकी झोली में एक चवन्नी है वो जहां का खरबपति हो। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात जन्नत होगा खरबपति होगा क्या कहने। अरे वो और भी एक होगा सुना दें सब लेके बैठे हैं अभी सुना दें एक और होगा। आला हजरत का फैसला सुन लो इसको मोती समझ के तुम चुन लो। जो भी मेरे नबी का दुश्मन है एक नंबर का तो दोज़खी हो। जवाब नहीं जन्नती दोज़खी बाबा। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने आला हज़रत एक नंबर का दो जख्मी होना तो है लेकिन उसमें लफ्ज़ एक नंबर भी लगा दो जख्मी तो है ही है लेकिन उसमें एक नंबर लगा हुआ है। एक नंबर का दो जख्मी होगा। जी नूरुद्दीन मंजर नूरुद्दीन भाई बहुत दूर से चलकर आए। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल घर के आदमी हैं बहुत दूर से चलकर आए हैं। तो जो बहुत दूर से आता है वो बहुत उम्मीदें रखता है अपने मेजबान से है ना कि मैं फला जगह जाऊंगा इतनी दूर से जा रहा हूँ पता नहीं वहाँ के लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे अच्छा सलूक करेंगे कि नहीं करेंगे। उम्मीदें रहती हैं उसको अच्छी अच्छी चीज की उम्मीद रहती है। तो नूरुद्दीन भाई
हजरत के साथ तशरीफ लाए, बहुत सारी उम्मीदें वाबिस्ता रख के आपसे, तो मैं ये चाहूंगा कि इनको आपने ऐसे सुन लिया, ये अलग सी बात है, वरना ये जिस इलाके से आए हैं वहाँ तो हम लोग जाकर अपना दामने दिल बिछा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बरेली शरीफ है क्या यार? बरेली शरीफ क्या है? ये बोला, इसको याद रखिए, ये सुन्नियों का मरकज क्या है? बरेली शरीफ। खामोश हो गया, मेरे ख्याल से थक गए, मैं भी चला जाऊं, कोई बात नहीं, आप हजरात भी जाएं। सुन्नियों का मरकज, इसको याद रखिए, मरकज को कभी मत छोड़िए, इसलिए कि मरकज से जो हटा वो पिस के रह गया। चक्की देखी होगा आप, है ना? तो चक्की जब चलती है ना, तो जो दाने फूटे से लगे रहते हैं, यानी मरकज से जब लगे रहते हैं, तो वो बचे रहते हैं, और जैसे ही चक्की के दायरे में आए पिस गए। तो जरूरत है दौरे हाजिर में कि हम मरकज़े अहले सुन्नत से लगे रहें, और यही इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है। मैं यहाँ से जो शेर अगर आप हजरात इजाजत न दें तो मैं पढ़ूं, मेरे ख्याल से आप मतलब कुछ नहीं, मैंने ये कहा कि अगर आप हजरात इजाजत न दें तो मैं पढ़ूं, कम से कम ऐसे ही तो बोल दीजिए कि हाँ इजाजत है। अरे क्या लोग सोच में पड़े, आपका वक्त है, आप पढ़ें, आप महफिल है, मैं हाजिर करता हूँ, सुनेंगे आप।